तो दोस्तों आपका स्वागत है ट्रेंडिंग टेक के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि सर एफआरपी के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, अगर हम अपने फोन को फॉर्मेट करते हैं लॉक भूल जाते हैं तो वहां पे ईमेल आईडी मांगता है और हम अपनी ईमेल आईडी को भी भूल जाते हैं तो उसको कैसे बाईपास करेंगे, कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाला हूँ। यह तरीका सभी फोन में काम करेगा, एमआई, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, जो भी सारे फोन है सभी फोन में काम करेगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरह YouTube में चले जाना है या तो Google में चले जाना है। ठीक है, आपको किसी भी तरह Google में चले जाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें सब कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे चल रहा है Note 5 Pro का गिव अवे। आप इस Note 5 Pro को जीत सकते हैं, आपको एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, छोटा सा काम ये है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद में वीडियो को शेयर कर देना है अपने WhatsApp पे, Facebook पे, और आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, उसके बाद में आपको घंटी को दबा के ऑन कर देना है। और दोस्तों आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। आपको क्या कमेंट करना है, मोबाइल एफआरपी अनलॉक, आपको कमेंट करना है मोबाइल एफआरपी अनलॉक। दोस्तों अगर आप इतना कमेंट कर देते हैं तो आप बन सकते हैं Note 5 Pro के विनर। तो प्लीज देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको कर देते हैं साइड में, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे ईमेल आईडी मांग रहा है। ठीक है, इसके आगे नहीं जा रहा है, यहां पे ईमेल आईडी मांग रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं फॉरगेट किया यहां पे वह नंबर आ चुका है लेकिन ईमेल आईडी नहीं आया। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं इसको रिकवर कर लूं, अगर आप रिकवर ईमेल में यह नंबर डाले रहेंगे तभी आप रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल यह नंबर नहीं डाला हुआ है, मुझे मालूम है यह नंबर नहीं डाला हुआ है, तो चलिए मैं बैक कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं OnePlus 3 से कनेक्ट किया हुआ हूं, तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूं। दोस्तों आपको बैक करके अपने होम पे आ जाना है, इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद में, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद में। ठीक है, आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाएगा विजन सेटिंग का, तो आपको किसी भी तरह अपने गूगल में चले जाना है, यूट्यूब में जाना है। ठीक है, तो चलिए हम विजन सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टॉक बैक का, तो मैं इसको ऑन कर देता हूं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एल टाइप करना है। जैसे आप यहां टाइप करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, तो आपको टॉक बैक सेटिंग पे दो बार क्लिक करना है, दो बार। उसके बाद में आपको टॉक बैक को बंद कर देना है, तीनों बटन को दबा के। ठीक है, 1 2 3 तीनों को दबा के बंद कर देना है, टॉक बैक बंद हो गया। ठीक है, अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प एंड फीडबैक का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको लिखना है VOI। जैसे आप VOI लिखेंगे पहला ऑप्शन आ जाएगा गेट स्टार्ट विथ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पे YouTube आ चुका है, तो आपको प्ले कर देना है एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको आप देख सकते हैं कि यहां पे 3 डॉट है कॉर्नर में, तो आपको यहां पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, मेरा तो शो नहीं कर रहा था, शायद आपका शो करेगा, तो यहां से मैं नॉट अपडेट कर देता हूं। अब आपको इसको नीचे कर देना है, अब आपको 3 डॉट में जाना है। दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको हेल्प एंड फीडबैक में चले जाना है। अगर आपको हेल्प एंड फीडबैक में गूगल का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्रोम का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको प्राइवेसी एंड पॉलिसी में चले जाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने क्रोम में आ चुका हूं, अब यहां से नो थैंक्स कर देता हूं। दोस्तों आपको इसके यूआरएल में जाना है और यहां से सबको हटा देना है, आपको लिखना है रोम फर्स्ट एफआरपी, ROM FAST FRP, रोम फर्स्ट एफआरपी। तो जो पहली वाली साइट आती है ना रोम फर्स्ट एफआरपी की, आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद में दोस्तों मैं यहां से इसको कट कर देता हूं। अब आपको यहां से दो चीज डाउनलोड करना है, ठीक है, DEV सेटिंग टू SM लॉन्चर। तो चलिए हम पहले ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, DEV सेटिंग, क्या लिखा है यार, DEV सेटिंग, तो ये 28 MB का है, तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। यहां से इसको परमिशन दे देता हूं, अलाउ,
चल भाई डाउनलोड कर ले। अब मैं बैक करता हूँ, पहला तो डाउनलोड होने लगा, ठीक है। अब हम दूसरे को भी, एसएम लॉन्चर को भी डाउनलोड कर लेते हैं। नोवा लॉन्चर है, एसएम लॉन्चर नोवा लॉन्चर है, ठीक है। तो आपको इसी दोनों को डाउनलोड करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि डाउनलोड कितना हुआ। हिस्ट्री में जाके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एसएम लॉन्चर को, जो एसएम लॉन्चर था, नोवा लॉन्चर था, आपको उसको इंस्टॉल करना है। तो यार कहाँ से बुकमार्क में जाना है आपको, यहाँ से नो थैंक्स, यहाँ पर भी नहीं है। हमने जो अभी डाउनलोड किया है यहाँ पे शो करता है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो शेयर पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ एक बार, क्या पता यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम एसएम लॉन्चर को दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है, उसे शो करना चाहिए डाउनलोडिंग, लेकिन पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है। तो हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं, दोबारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे डाउनलोड होगा आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे सेटिंग बोल रहा है ऑन करने के लिए, तो आपको अननोन सोर्स को ऑन कर देना है, ठीक है। फिर इसको बैक करना है, फिर हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमको फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए डाउनलोड ही कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ओपन किया और इसको इंस्टॉल किया। अपेक्स लॉन्चर, नोवा लॉन्चर नहीं, अपेक्स लॉन्चर इसका नाम है, सॉरी। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा फोन ओपन हो चुका है, लेकिन अभी रुकिए, अभी आपको जाना नहीं है, ठीक है। अभी आपको इसमें एक काम करना है, आपको सेटिंग में जाना है। एक काम नहीं, 50% हुआ है, 50% बाकी है। आपको जाना है अपने सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद में आपको यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को ओपन करना है और यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, डीएक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको इसको डीएक्टिवेट कर देना है। आप देख सकते हैं कि डीएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ, बैक। अब दोस्तों आपको जाना है ऐप में, जहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल होता है, सारा ऐप रहता है, आपको ऐप में जाना है। उसके बाद में आपको जाना है 3 डॉट में और आपको शो सिस्टम ऐप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके फोन में जितना सारा एप्लीकेशन है, सारा का सारा एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल अकाउंट मैनेजर पे और इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। पहला डिसेबल हुआ, आप देख सकते हैं कि जीमेल के नीचे है गूगल अकाउंट मैनेजर, आपको इसको डिसेबल करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, आपको गूगल प्ले सर्विस मिल जाएगा, आपको इसको भी डिसेबल कर देना है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों को डिसेबल कर देना है। फिर आपको बैक जाना है। अब आपको जाना है फाइल मैनेजर में, जहां पे हमने दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था। आप देख सकते हैं कि तीनों लॉन्चर यहाँ पे है और ये जो 28 MB का एप्लीकेशन है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है। मैं सारा का सारा, जो भी FRP मेरे समझ में आता है, जो मेरे दोस्तों के पास आता है, मैं इसी से कर लेता हूँ, ठीक है। आपको किसी तरह गूगल में चले जाना है। दोस्तों आपको यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। डन करने के बाद में आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद में आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से गूगल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप गूगल को सेलेक्ट करेंगे, आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए बोलेगा। आप देख सकते हैं कि आप नया ईमेल आईडी बना सकते हैं, या तो आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप उसको डाल दीजिए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। अब आपको पासवर्ड डालना है, तो चलिए मैं पासवर्ड को इस साइड में करके डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यह एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए हम फटाफट नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि आपका जो अभी हमने जीमेल आईडी डाला, यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपको बैक करना है। बैक करने के बाद में दोस्तों जो हमने डिसेबल किया था, आपको सबसे पहले जाना है सिक्योरिटी में और
डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, आपको यहां से एक्टिवेट कर देना। आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट हो गया। अब आपको जाना है, सॉरी सॉरी यार मैं क्या कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आपको जाना है एप्लीकेशन में और आपको यहां से शो सिस्टम ऐप कर देना है। शो सिस्टम ऐप करने के बाद में आपको जाना है जो हमने डिसेबल किया था उसको एनेबल कर देना है। ठीक है, बस आपको इतने करना है, आपका काम हो गया। ये देखो एनेबल हो गया। ठीक, अब आपको नीचे आना है, इसको भी एनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एनेबल हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपने फोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो चलिए हम अपने फोन को एक बार बंद करके ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपने फोन को ऑन करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टॉल बैक ऑन है, तो आपको तीनों बटन को दबा के इसको ऑफ कर देना है। अब आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, फटाफट आपको नेक्स्ट कर लेना है, आपका फोन चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ। आप यहां से किसी भी लॉन्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फोन वाला लॉन्चर सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको यहां से गॉट इट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फोन पहले की तरह हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, अपने जीमेल आईडी को आप हटा भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने जीमेल आईडी को यहां से हटा देता हूं। अकाउंट में गया, गूगल में गया और यहां से मैं अपने जीमेल आईडी को हटा देता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फोन पहले की तरह काम करने लगा। आप देख सकते हैं कि हमारा फोन पहले की तरह हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी फोन का बाईपास बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप बन सकते हैं नोट 5 प्रो के विनर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।